आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, सो इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, सो द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन एन रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Now, for example, if A is more reactive and in compound BC, B is less reactive, so A can easily displace B and forming AC plus B. Okay? So, this kind of reaction is known as displacement reaction. Now, in this case, only one element displacing one position, hence it is single displacement reaction. Okay? और अगर यही रिएक्शन को हम ए बी प्लस सी डी लिखें और ए और सी अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करें एंड फॉर्मिंग सी बी प्लस ए डी। ठीक है, तो यहाँ दो एलिमेंट्स ने अपनी पोजीशन को एक्सचेंज किया और वी कैन से डिस्प्लेस किया, सो दिस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, सो डिफाइन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट in an reaction, that reaction is known as displacement reaction. Now the question arises, how can we say that A is more reactive or B is less reactive? So that case we must know what is reactivity series. So sabse pehle hum reaction ko discuss karne se pehle discuss karenge what is an reactivity series. So reactivity series hai arrangement of element. Theek hai, to sabse pehle jo main learn karna hai wo ye point hai, इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। अब अगर वो अरेंजमेंट है तो किसी ना किसी ऑर्डर में होगी, सो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ऑर्डर किस चीज़ का? रिएक्टिविटी का। इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो अब हम एक सीरीज लिखेंगे जिसमें टॉप वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और बॉटम वाला सबसे लीस्ट। So, defined reactivity series, it is an arrangement of element in decreasing order of their reactivity from top to bottom. So, series है, starting from potassium, ending at platinum, ठीक है? तो potassium सबसे most reactive हुआ, platinum सबसे least reactive हुआ, ठीक है? ये series continuation में है, potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, nickel, tin, lead, hydrogen, copper, mercury, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ठीक है, अब इस सीरीज को लर्न करने का भी एक शॉर्टकट इजी मेथड है जो हम डिस्कस करेंगे। सो लर्न करने का तरीका है, आप इसको एक स्टेटमेंट में लर्न कर सकते हैं, कल नई कार मांगी ऑल्टो जैन फरारी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे एक सिचुएशन है कि पेरेंट्स से बच्चे कार मांग रहे हैं, तो कल नई कार मांगी ऑल्टो जैन फरारी। ठीक है, यहां तक लर्न हो गया, दो तीन बार रिपीट करेंगे मेरे साथ, कल नई कार मांगी ऑल्टो जैन फरारी। सीक्वेंस, कल नई कार मांगी ऑल्टो जैन फरारी। सो आगे होगा नी सुना, अब पेरेंट्स है वो नहीं सुनते, तो नी सुना प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कल नई कार मांगी ऑल्टो जैन फरारी, नी सुना प्रॉब्लम है, क्योर होगी अगर ऑडी प्लैटिना। तीन कार की जगह एक कार हो जाएगी ऑडी प्लैटिना। ठीक है, सो कल नई कार मांगी ऑल्टो जैन फरारी, यहां से बनेगा नी सुना प्रॉब्लम है, क्योर होगी अगर ऑडी प्लैटिना। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करने का तरीका है, कल नई कार मांगी ऑल्टो जैन फरारी, नी सुना प्रॉब्लम है, क्योर होगी अगर ऑडी प्लैटिना। ये इस स्टेटमेंट को आप बार बार लिखें और हर एक से उसके लेटर को रिप्रेजेंट करें, तो आपको ये सीरीज जल्दी से जल्दी लर्न हो जाएगी। ठीक है, और कभी भूलेगी नहीं, स्टेटमेंट को याद कर रखो, कल नई कार मांगी ऑल्टो जैन फरारी, नी सुना प्रॉब्लम है, क्योर होगी अगर ऑडी प्लैटिना। अब आगे कंटिन्यू करते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज को देख के हम किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी बता सकते हैं, क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल Fe प्लस CuSO4, ठीक है, Fe एंड CuSO4 रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन पहले है, कॉपर बाद में, तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव हुआ तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और रिएक्शन
मैं प्रोडक्ट फॉर्म होगा, एफ ई इसके साथ कंबाइन हुआ, एफ ई एस ओ फोर प्लस सी, ठीक है। तो इस केस में आयरन नील, ठीक है, जो सी यू एस ओ फोर का ब्लू कलर है वो चेंज हो जाएगा एफ ई एस ओ फोर के ग्रीन कलर में, ठीक है। तो जो सी यू एस ओ फोर सोल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, और वो किस में चेंज हो गया, एफ ई एस ओ फोर ग्रीन कलर में। तो इसी में एक्टिविटी आपको एन सी आर टी बुक में गिवन है कि हमने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, ठीक है, इसमें हमने एक आयरन नेल को डिप किया, ठीक है, विथ पैसेज ऑफ टाइम कुछ आर बाद हमने नोटिस किया कि जो ब्लू कलर है सॉल्यूशन का वो चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर में और आयरन नेल पे कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन है वो कौन से कलर में चेंज हो गया, ग्रीन कलर में, ठीक है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एफ ई एस ओ फोर। तो ये रिएक्शन है जिसमें आयरन इज मोर रिएक्टिव विल डिस्प्लेस कॉपर लेस रिएक्टिव फ्रॉम सॉल्यूशन एंड दिस रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। अगर यही सिचुएशन रिवर्स करके आपको बोली हो सी यू प्लस एफ ई एस ओ फोर, नाउ दिस रिएक्शन विल नॉट टेक्स प्लेस। रीजन, कॉपर लेस रिएक्टिव है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर आयरन को यहाँ से डिस्प्लेस नहीं कर सकता और ये रिएक्शन नहीं होगा। ये एक एक्टिविटी है जो अभी हमने फर्स्ट अपनी फर्स्ट ऑडियो में की थी, ठीक है, दैट इन दैट केस जिंक इज मोर रिएक्टिव, वो एच टू एस ओ फोर में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा एंड फॉर्मिंग जेड एन एस ओ फोर और रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये हाईली फ्लेमेबल होता है, तो अगर हम एक बर्निंग कैंडल या स्प्लिंटर इसके पास लेके आते हैं तो ये बर्न करता है विद पॉप साउंड। रीजन है कि ये हाईली फ्लेमेबल गैस है, ठीक है, हाईली रिएक्टिव गैस भी है। तो सिंस जिंक इज मोर रिएक्टिव इट विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द रिएक्शन। ये एक ऐसा रिएक्शन है जो तीनों ही चैप्टर्स में इंक्लूड है, केमिस्ट्री के चैप्टर वन में, सेकेंड में, थर्ड में। फर्स्ट में तो सिंपल ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सेकेंड चैप्टर में ये रिप्रेजेंट करता है व्हाट हैपेंड व्हेन मेटल रिएक्ट विद एन एसिड, एंड थर्ड में अगेन मेटल नॉन मेटल चैप्टर है, अगेन व्हाट हैपेंड व्हेन मेटल रिएक्ट विद एन एसिड, सो इट रिलीजेस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी भी आपको ऑलरेडी एक वीडियो में यहाँ पे गिवन है इसी चैनल पे, ठीक है, तो आपने देखना है और इसके जितने भी कंक्लूजन है उसको लिखना है। तो Zn plus H2SO4 forming ZnSO4 plus H2 in reactivity series zinc is more reactive than hydrogen hence it can easily displace hydrogen। तो ये एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब यहाँ सीरीज ऑफ रिएक्शन है, इन्हें देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग रिएक्टिविटी सीरीज की ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, प्रिडिक्शन कर सकते हैं रिएक्शन की। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यस इट कैन डिस्प्लेस एंड फॉर्मिंग जेड एन एस ओ फोर प्लस सी यू, ठीक है। सिमिलरली कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, दिस रिएक्शन विल नॉट टेक्स प्लेस। अगेन पी बी एंड सी यू इन द रिएक्टिविटी सीरीज पी बी अहेड ऑफ सी यू, सो पी बी इज मोर रिएक्टिव इट कैन डिस्प्लेस एंड फॉर्मिंग पी बी सी एल टू प्लस सी यू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन ए जी एंड रिएक्शन विद सी यू, सो ए जी इज लेस रिएक्टिव देन सी यू हेंस दिस रिएक्शन विल नॉट टेक्स प्लेस, ठीक है। ये सभी जो रिएक्शन प्रोसीड हो रहे हैं ये सभी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हेन टू एलिमेंट्स एक्सचेंज देयर पोजीशन, अभी हमने जो इनिशियल डिस्कस किया था फॉर एग्जाम्पल ए बी प्लस सी डी है एंड ए एंड सी विल एक्सचेंज देयर पोजीशन एंड फॉर्मिंग ए डी एंड सी बी, ठीक है। तो वी कैन से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। इसी का एक एग्जाम्पल है, व्हाट हैपेंड व्हेन बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम क्लोराइड दैट इज बी ए सी एल टू सोडियम सल्फेट एन ए टू एस ओ फोर, ठीक है। तो अब जो ये कैटायन है ये अपनी पोजीशन एक्सचेंज करेंगी, इट विल फॉर्मिंग बी ए एस ओ फोर, ठीक है। तो ये दोनों ही सॉल्यूशन कलरलेस हैं, मिक्स करने पे वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा बी ए एस ओ फोर और सॉल्यूशन में एन ए सी एल रह जाएगा, ठीक है। सो जब हम ये रिएक्शन करते हैं, मिक्स करते हैं दोनों को, ऑलरेडी एक आपको चैनल पे एक्टिविटी है डेमोन्स्ट्रेशन की डबल डिस्प्लेसमेंट की, उसमें सेम ये रिएक्शन एक्सप्लेन किया हुआ है कि बी ए सी एल टू प्लस एन ए टू एस ओ फोर दोनों ही कलरलेस सॉल्यूशन है, मिक्स करने पे वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बी ए एस ओ फोर फॉर्म होगा।
सो दिस रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट. अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन. सो इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें प्रेसिपिटे भी फॉर्म हुआ है. इट इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें वाइट कलर इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 फॉर्म हुआ है. सो सच रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन्स, एक्सचेंज ऑफ आयन्स टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट्स, एक्सचेंज ऑफ आयन्स, यहाँ पे BaS है और Ba2+ आयन और Na+ आयन है, तो एक्सचेंज ऑफ आयन्स टेक्स प्लेस बिटवीन टू रिएक्टेंट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्टेंट. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, जो एग्जाम्पल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी. सो वॉट हैपन वेन वी एड BaCl2 इन ए Na2SO4 सोल्यूशन, अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 फॉर्म. अब डबल डिस्प्लेसमेंट की एक और एक्टिविटी है जो आपको सेकेंड पेज ऑफ NCERT पे गिवन है. What happened when potassium iodide Ki is added into lead nitrate solution? ठीक है, दोनों ही कलरलेस सॉल्यूशन है. रिएक्शन होने पे अगेन एक्सचेंज ऑफ आयन्स विल टेक्स प्लेस, इट फॉर्मिंग Pb2+2KNO3. ठीक है, बैलेंस करने के लिए हमने 2 लगा दिया. सो अब इस केस में जो Pb2 बनता है दैट इज ऑफ येलो कलर प्रेसिपिटेट, तो अगेन दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन as well as precipitation reaction. So what happened when lead potassium iodide is added into lead nitrate? Yellow precipitate, insoluble yellow precipitate of Pb2 form and KNO3 remain in solution. So this is also an example of double displacement reaction as well as precipitation reaction.